तो भाई डंबल के साथ और रेजिस्टेंस ट्यूब के साथ फॉर्म करेंगे एक्सरसाइज और बेहतर से बेहतर शोल्डर और ट्राइसेप्स को आपके सामने पंप करेंगे भाई। आज हमारा वेडनेसडे है, शोल्डर और ट्राइसेप्स डे है, तो आप लोगों से शेयर करूंगा। अगर जिन भाई के पास डंबल नहीं है वो ईट का इस्तेमाल करेंगे और रेजिस्टेंस ट्यूब मैं बोलूंगा भाई खरीद दो भाई, बहुत ही सस्ता चीप मिलता है भाई, 250-300 के आसपास मिल जाएगा आपको, कहीं से कोई भी स्पोर्ट्स शॉप में जाके बाई कर लो अपने हिसाब से, बजट के हिसाब से अच्छा रहेगा, अच्छा होगा आपको। देखो शोल्डर और ट्राइसेप्स वर्कआउट साथ में फॉलो भी करो बेहतर, ठीक है भाई। पहले तो स्टार्ट करेंगे भाई शोल्डर को कर लेते हैं पंप। रेजिस्टेंस ट्यूब से मैं अच्छे तरीके से वॉक कर पाता हूं भाई, तो इसे मैं करता हूं पहले वॉक अपने शोल्डर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 भाई शोल्डर बहुत अच्छे तरीके से पंप हो जाता है। अगर रेजिस्टेंस ट्यूब आपके पास है तो सिंपल साइड रेजर लगाओ या फिर आपको अच्छे तरीके से शोल्डर पंप भी आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 वॉक है भाई, 10 11 12 13 14 15, जिससे कि आपका शोल्डर थोड़ा बहुत एक्टिव हो जाएगा भाई, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस ट्यूब से मैं कर लेता हूँ कुछ स्ट्रेचिंग, जिससे कि थोड़ा बहुत शोल्डर के पीछे वाले हिस्से पे फर्क पड़े और इंजरी वगैरह नहीं हो तो ठीक है। कि हमारा भी हम आपसे खड़ी करेंगे प्रॉपर एक्सरसाइज किसी से तो डंबल के साथ। रेजिस्टेंस ट्यूब से मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा करने के लिए, रेजिस्टेंस ट्यूब से तब करो जब आप थक जाओ, तो लास्ट में लगाओ भाई 20 रेपिटेशन 25 रेपिटेशन खींच के, उससे आपको रिजल्ट मिलेगा भाई। इसके मतलब की रिस्पेक्ट में किया सिर्फ रेजिस्टेंस ट्यूब से ही वर्कआउट करोगे सारा, ठीक है। तो भाई करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइड शोल्डर से, साइड वाले शोल्डर से सिंपल साइड रेजर लगाते हैं भाई, जिससे कि हमने वॉक किया था रेजिस्टेंस ट्यूब से और अभी डंबल के साथ कराएंगे साइड रेजेस। एल्बो आपका ज्यादा ऊपर नहीं आएगा भाई, शोल्डर हाइट तक ही आएगा और अंदर की तरफ रहेगा, जिससे कि हाथ आपका अंदर की तरफ रहेगा, जिससे कि आपका फोकस शोल्डर पे आएगा। देखो भाई लगाते हैं 15 रेपिटेशंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 साइड वाले हिस्से के लिए भाई 13 14 15 शोल्डर का पहला आपका साइड यूज हो जाएगा। मैं सारा एक्सरसाइज का एक ही सेट करके दिखा दे रहा हूं आप लोगों को और आप लोगों ने परफॉर्म करना है 3 से 4 सेट रेपिटेशन अपने हिसाब से एडजस्ट करके भाई। 20 लगा सकते हो तो पहला सेट 20 का लगाओ, फिर 15 का लगाओ, फिर 11 का लगाओ, अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहना भाई। पहला प्रॉपर एक्सरसाइज आपका सिंपल साइड रेजेस से स्टार्ट करना भाई। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करना है भाई आपको, सिंपल फ्रंट रेजेस, फ्रंट वाले हिस्से को टारगेट करना है। तो डंबल लेके यहाँ पे शोल्डर हाइट तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाई शोल्डर में भी बहुत सारा पार्ट होता है। आपका राउंड शोल्डर कब दिखता है, जब आपका साइड वाला हिस्सा ट्रेन हो, फ्रंट वाला हिस्सा अच्छा हो और रियर पीछे वाला हिस्सा भी अच्छा हो, तो आपका शोल्डर राउंड दिखता है और शोल्डर से आपका जो है भाई बाजू भाई और हेवी दिखता है। एक्सरसाइज करो भाई, पहले तो साइड रेजेस फिर फ्रंट रेजेस, दूसरा हम एक्सरसाइज, तीसरा हम एक्सरसाइज क्या करना है भाई, सिंपल तरीके से शोल्डर शोल्डर प्रेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारा एक्सरसाइज। अगर जिन भाई के पास डंबल नहीं है वो इससे सेम एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, सेम फॉर्म के साथ परफॉर्म करेंगे, और जिन भाई के पास डंबल है वो तो डंबल के साथ लगाओ भाई, शोल्डर ट्रेन करना है तो ये सारा एक्सरसाइज बहुत ही इफेक्टिव बन रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा भाई वाइड करने के लिए, शोल्डर वाइड करने के लिए ट्रैप्स पे भी काम हो और वो एक्सरसाइज है, ये वो एक्सरसाइज है जिससे आपका ट्रैप्स भी इंगेज होगा, शोल्डर भी इंगेज होगा और आपका सेपरेशन अलग अलग चौड़ा जो बॉडी दिखता है दिखेगा भाई। नंबर दो है इस तरह से सर सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 इसे क्या बोला आपने ट्रैप्स को कॉन्ट्रैक्ट ट्रैप्स को इंगेज कर रहे हो भाई और हिंट दे रहे हो कि सेपरेट करो शोल्डर से जिससे कि आपका वाइड शोल्डर दिखे बड़ा शोल्डर दिखे तो ये एक्सरसाइज करो भाई सिंपल डंबल से सब सारा इजी से बता रहा हूं भाई कहीं भी फॉर्म कर सकते हो भाई कोई जरूरत नहीं जिम जाने का अगर आप डंबल खरीद सकते हो तो घर में भी सब कुछ फॉर्म करो डंबल नहीं खरीद सकते हो तो इनसे परफॉर्म करो एक्सक्यूज नहीं चलेगा भाई नेक्स्ट एक्सरसाइज है भाई तो आपने देखा भाई हमने शोल्डर के साइड वाले पार्ट को ट्रेन कर लिया फ्रंट वाले पार्ट को ट्रेन कर लिया सेपरेट कर लिया बच क्या गया आपका पीछे वाला पार्ट था पीछे वाला पार्ट जो आपका नहीं बनेगा तो राउंड शोल्डर राउंड शेप पे नहीं दिखेगा तो रियर डेंट पे काम करना है रियर शोल्डर पे काम करना है पीछे वाले शोल्डर पे काम करना है तो कैसे काम करेंगे भाई तो सिंपल तरीके से आपको इस तरह से पोजिशन में आना है भाई और डंबल जो भी है ईट है जो भी आपके पास है इस तरह से बैठो है ऊपर आके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इससे आपका रियर डेड पीछे वाला जो पार्ट है भाई पीछे वाला पार्ट ट्रेन होके आएगा शोल्डर का और पूरा का पूरा शोल्डर आपका इन सारे साइड फ्रंट रियर सेपरेट ट्रैप सब कुछ पंप हो गया है तो ये सारे चीज आप करते हो भाई रूटीन बना के रेगुलर करते हो तो आपको बेहतर शोल्डर बन के आएगा भाई और बेहतर लुक बन के आएगा पीछे ले जाओगे आपको ट्राइसेप्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो आपको ग्रिप रखना है यहाँ पे और पीछे ले आके बाइसेप्स स्क्वीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बहुत ही बेहतर एक्सरसाइज है अगर आप शोल्डर के बात करते हो एक्सरसाइज तो आपका पहले से भी पंप थोड़ा बहुत ट्राइसेप्स पंप बाजू भी पंप रहेगा आपका शोल्डर एक्सरसाइज करते हो तो और फिर अगर ट्राइसेप्स मारते हो ट्राइसेप्स पे फोकस करते हो तो आपको और बेहतर पंप महसूस मिलेगा तो ट्राइसेप्स पहले करना है शोल्डर का एक्सरसाइज उसके बाद ही करना है ट्राइसेप्स का एक्सरसाइज दूसरा एक्सरसाइज करना है दूसरा एक्सरसाइज ट्राइसेप्स का डंबल से लगाएंगे भाई किकबैक इस तरह से आपको बेंड होना है और पूरा किकबैक से आएगी पीछे वाले आपके ट्राइसेप्स पे फ्रंट करना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो ये आपका हो गया भाई ट्राइसेप्स का किकबैक रेजिस्टेंस ट्यूब से किया थे थोड़ा सा अच्छे तरीके से पंप हो जाएगा और इससे आपको वेट हो जाएगा तो और बेहतर आपका ट्राइसेप्स भाई घर पे ही बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा तीसरा नंबर एक्सरसाइज देखते हैं तो लास्ट में भाई देख लेते हैं डायगोनल पुशअप्स आपका ट्राइसेप्स खत्म करना एक्सरसाइज तीन एक्सरसाइज आपका हो जाएगा ट्राइसेप्स का और हमने शोल्डर भी ट्रेन किया ट्रेन पहले करना है उसका ट्राइसेप्स का लास्ट ये फिनिशर आपका होगा डायगोनल पुशअप्स इसका भी आपने लेस का करना है 10 से 15 मिनट सेशंस डायगोनल पुशअप पे तो पता ही है आप लोगों को सर सामने आएगा लगाते हैं भाई 10 मिनट सेशंस 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बेहतर से बेहतर शोल्डर पंप होके ट्राइसेप्स पंप होके और शोल्डर पंप होके आपका आएगा फॉलो करो भाई बेहतर बन रहा है तो घर पे बिल्ड करना है तो डंबल भाई खरीद लो भाई नहीं खरीद सकता तो इसे फॉर्म करो रेसिस्टेंस ट्यूब तो खरीदना ही भाई 200-250 का दुबार कर दो कहीं से रेसिस्टेंस ट्यूब खरीद के और कौन सा फॉर्म करो भाई के साथ बेहतर होगा मिलते हैं भाई और अच्छी तरीके के साथ और नेट ऑफ करके तो स्टे सेफ से